आगे बढ़ते हुए अब खबर वीर की शहादत से जुड़ी हुई है। वीर की शहादत को लेकर सियासत हो रही है और उसी सियासत को लेकर इंडिया न्यूज सवाल उठा रहा है। अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत हो गई। सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर बन गए हैं अक्षय लक्ष्मण। शहादत पर सेना प्रमुख समेत सेना के जो सभी रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने दुख जताया है। महाराष्ट्र के रहने वाले अक्षय गावते बताए जा रहे हैं और उनकी शहादत को लेकर सेना के अधिकारी सेना के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से शोक जाहिर किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस पर सियासत अब चौतरफा हो रही है। इससे पहले भी जब अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार ने जानकारी दी थी उस वक्त भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से इस पर सवाल पूछे गए थे। सवाल के साथ साथ सियासत भी हुई थी और उस वक्त भी सरकार ने उन सभी सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष के सवालों पर जवाब देकर इन सभी विवादों को खत्म करने की कोशिश की थी। अब जब खबर आई है अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण उनकी शहादत हो गई है और शहादत को लेकर सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं, कांग्रेस की तरफ से पूछे गए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला है। अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का अपमान हो रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि शहादत के बाद परिवार को पेंशन भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर ये सभी सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं वो कि शहीद की शहादत क्या बेकार चली जाएगी? परिवार को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्या? क्या शहीद को शहीद का दर्जा सरकार नहीं देगी क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए हैं और राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये कि एक शहीद का शहीद हो जाना, उसकी शहादत को लेकर सियासत करना, क्या ये ठीक है क्या? ऐसी कई बातें हैं जो पूछी जा रही हैं। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने ये सभी सवाल सरकार से पूछते हुए पोस्ट किया है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी हो गई है। राहुल गांधी ने लिखा है, सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बेहद दुखद है, दुखी करने वाला है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। आगे वो लिखते हैं, एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर भी सवाल कर दिए। जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी के सवाल के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है, तो बीजेपी की तरफ से अब इस पर जवाब भी दिया गया है। अग्निवीर पर कांग्रेस और बीजेपी में तीखी जो टक्कर है ये जारी है। राहुल गांधी को बीजेपी ने बड़ी नसीहत भी दी है। राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना बीजेपी की तरफ से बताया गया। साथ ही कहा कि राहुल के जो आरोप हैं वो पूरी तरह से बकवास हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाना बंद करें। बीजेपी ने जवाब दिया कि करीब 1 करोड़ रुपए परिजनों को दिए जाएंगे, मिलेंगे परिजनों को, इसीलिए ये भ्रम ना फैलाया जाए कि परिवार को किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं उसको लेकर वो सीधे सीधे अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं। अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, ग्रेच्युटी का जिक्र किया, उन्होंने पेंशन का जिक्र किया। और ऐसे में जब ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए, अक्षय लक्ष्मण का फोटो साथ में उन्होंने पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि ना तो सेवा के समय ग्रेच्युटी ना अन्य सुविधाएं और शहादत जब हो गई तो परिवार को पेंशन तक नहीं, भला पीछे परिवार कैसे रहेगा, ये सवाल भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी हमलावर हो गई है राहुल गांधी के इस सवाल पर और बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद जो है वो करीब वो परिवार को दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भ्रम फैलाने वाली स्थिति है वो राहुल गांधी पैदा ना करें, भ्रम ना फैलाएं, फेक न्यूज ना फैलाएं। इस तरह की नसीहत जो है वो बीजेपी ने राहुल गांधी को दी है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जम्मू से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेरे सीनियर कुलीग हैं और इस खबर को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। अजय, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। हालांकि जब अग्निवीर स्कीम आई थी उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई थी। राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बीजेपी ने इन सभी बातों को भ्रम बताया है, कहा है कि फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। पूरी खबर क्या है ये दर्शक जानना चाहेंगे।
दिन में इस वीर ने अपनी शहादत दी है, उस शहादत पे जिस तरीके से सियासत होना शुरू हो गई है वो बड़ी कहीं ना कहीं दुखद बात है, क्योंकि देश के लिए जब सेवा के लिए जब भी कोई यूनिफॉर्म डालता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो देश सेवा होती है। उसे पता है कि जिस ड्यूटी पर वो जा रहा है उस देश सेवा की खातिर उसको प्राणों की आहुति निछावर करनी पड़ती है और वो करते भी हैं। इसी वजह से आप देखें तो इन्होंने भी अपनी शहादत दी सियाचिन में, जहाँ पर शायद जहाँ पर आम इंसान के लिए जाना मुश्किल हो पाता है, मगर उसके बाद जब सियासत इन चीज़ों को लेकर होती है और इस चीज़ को लेकर सियासत हो रही है कि आखिरकार इनके परिवार को क्या मिलेगा, इसके परिवार सर्वाइव कैसे करेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, इस चीज़ को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उस पर सेना जो है वो सामने आई है। सेना ने क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से जो जवान देश की सेवा के लिए चाहे वो अग्निवीर है या कोई है, उसके परिवार और उसके जो बाकी चीज़ों का ख्याल जो है वो सेना रखती है। जो जानकारियाँ दी गई हैं उसके मुताबिक 48 लाख रुपए जो है वो कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस होता है जो इनको जो है मिलेगा शहादत के बाद जो मिलेगा। हालांकि जो शहीद हो जाता है वो वापस नहीं लौटता, मगर उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाए, इस तरह के बंदोबस्त जो है कहीं कहीं सरकार की तरफ से किए जाते हैं। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो 44 लाख रुपए है। सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी जो कंट्रीब्यूशन जो है उसमें 30% जो है अग्निवीर की कंट्रीब्यूट करता है, तो उतना ही जो है इक्वली कंट्रीब्यूट जो है वो सरकार करती है, वो उनको मिलेगा। और उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन विल आल्सो रिसीव पे फॉर द बैलेंस, जो भी क्योंकि अगर उनकी शहादत आज हुई है, इनकी ड्यूटी जो है नौकरी जो है 4 साल की थी, तो 4 साल तक जो उनकी पूरी सैलरी है उनके परिवार के जो भी वहाँ पे नॉमिनी होंगे उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो है जो आपको बता दूं जो बैलेंस जो रेजिडल टेन्योर होता है उसमें 8 लाख रुपए जो एनुअल फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड रहता है उसके तहत जो है इनको मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उस अग्निवीर जिनकी शहादत हुई इनके परिवार को दी जाएंगी। और जो लमसम बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जो है इन पूरी स्कीम्स के जरिए उनके परिजनों को जो है वो मिलेगी। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जब सियासी पार्टियां सियासतदान इन चीज़ों पर कमेंट करना शुरू होते हैं उसका असर जो है वो बाकी जो युवा या जो जवान हैं जो सेना में भर्ती हैं सुरक्षा बलों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं उठता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि देश की सेना में जब यूनिफॉर्म आप डालकर आते हैं तो आपका मकसद पैसा नहीं होता, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा होता है। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस परिवार की जो है सेवा का पूरा ख्याल रखें जिस परिवार के उस शख्स ने उस युवा ने जो है सेना का दामन थामा है और सेना के में आकर देश की सेवा की जिम्मेदारी ली है। और जब सरकार जिम्मेदारी ले रही है तो सरकार की तरफ से अब हमला भी किया जा रहा है। बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है कि राहुल गांधी आप फेक न्यूज़ फैलाना बंद कीजिए और जो ये आरोप आप लगा रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अभिषेक, क्या राहुल गांधी अकेले हैं ये सब सवाल करने वाले, या फिर आप कांग्रेस की तरफ से कुछ और लीडर्स भी हैं, या फिर अदर पार्टी से भी कोई क्या इस बात को उठा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों खबर सामने आई थी पंजाब से भी इस तरह की, जहां पर एक जवान के शहीद होने की खबर थी, ये हुआ कि भाई अग्निवीर था और अब शहीद हो गया, कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, किसी भी तरह से कोई परिवार को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन बाद में जैसे जैसे खबर डेवलप हुई ये सामने आया कि भाई इस जवान ने खुद से सुसाइड किया था, खुद से गोली मारकर अपनी जान दे दी थी, तो बाद में ये खबर गलत निकली थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जो खबर आई थी बिल्कुल वो गलत खबर थी। पहला ये जो बलिदान है यानी अक्षय गावते जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा के रहने वाले हैं, पहला मामला है कि जो देश में किसी अग्निवीर की मौत हुई है यानी हम कहें बलिदान हुआ है। देखिए दो चीजें हैं टेक्निकली समझनी होगी, कहीं कहीं भले इसको शहीद का दर्जा ना दिया जाता रहा हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शहादत के इनके बलिदान को कोई ये झूठा या कहे या फिर कोई गलत करार दे रहा है या फिर कहे कि कोई कम आंक रहा है। देखिए दो चीजें होती हैं, विरोधी पार्टियों का काम होता है विरोध करना है, समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी सरकार का विरोध करते करते सेना के उन जवानों का विरोध करते उनका हौसला इस तरीके से गिराने का प्रयास करते हैं हमेशा दिखा गया है। कहीं ना कहीं हर कोई सवाल खड़ा करता है कि कई सारे सरकार की तमाम कामकाजों पर सवाल खड़ा करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार का अपमान करते करते सरकार का विरोध करते करते आप इस कदर चले जाते हैं विरोध करने के लिए कि जो जवान है जो सेना के लिए जो देश के लिए जीने मरने कस्बे खाते हैं उनको नौकरियां मिल रही है, सरकार नौकरी दे रही है, तमाम उनके लिए अच्छी सुविधाएं दे रखी है। जब सरकार ने खुद कहा है बीजेपी की तरफ से 1 करोड़ रुपया मिलेगा, बिल्कुल उससे तैयारी भी की गई है, पहले प्लानिंग की गई थी,
बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का, झूठ फैलाने का प्रयास किया जाता है, यह साफ साफ समझ में आता है और यही राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। हालांकि देखिए जो कांग्रेस के और नेताओं की तरफ से अब तक तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जाहिर सी बात इससे हमलावर है और आने वाले समय में जैसे जैसे यह मामला जाहिर सी बात बढ़ेगा राहुल गांधी बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की एक बात समझ लीजिए किरकिरी होनी तय है, क्योंकि राहुल गांधी यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस सेना का जवान जो जिसकी बलिदान हुआ है अच्छा गांवते का जो महाराज के बुल्ढाना करने वाला है, ऐसे कई सारे अग्निवीर जवान और अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती हो सकते हैं, उनका हौसला तोड़ने के बजाय आप उनको हौसला बढ़ाइए। ठीक है, एक किसी के अगर बलिदान हुआ है उसके लिए तमाम चीजों का उपाय करना जरूरी है और बलिदान उस जगह हुआ है, देखिए सियाचिन, आप शायद वहां पर आम आदमी जाने को सोच भी सकता नहीं है, या फिर राहुल गांधी जैसे तमाम ऐसे नेताओं की बात कर लें जाने के बारे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही जा पाएंगे या आम आदमी नहीं जा सकता। उस जगह पर एक आम आदमी महाराष्ट्र के बुल्ढाना का रहने वाला उस तरीके का जो सपना देखता कि मैं आर्मी में जाऊं जवान बनूं, उस जगह जाकर वो ड्यूटी करता है और उस जगह बीमारी के चलते कुछ ऐसी बीमारी जिसके वजह से वो सही नहीं हो पाता, उसकी मौत हो जाती है, यह बिल्कुल जाहिर सी बात है देश उसके दुख है और लोग उसके शोक मना रहे हैं, तो साफ समझ में आई है। लेकिन राजनीति करना, किसी की मौत पर राजनीति करना और आने वाले जो और पीढ़ी है, आने वाले जो और लोग हैं उनके बारे में गलत या उनको गलत धारणाएं बनाना कि नहीं ये गलत है, तो कहीं कहीं यह साफ समझ में आ रहा है कि एक राजनीति के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप किसी तरीके से हद तक जा सकते हैं, यह कहीं कहीं साफ समझ में आ रहा है और यही कारण है कि राहुल गांधी का यह ट्वीट हर जगह पर वायरल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह महाराष्ट्र के बुल्ढाना का रहने वाला था लड़का और वह अब उनकी डेडबॉडी थोड़ी देर में औरंगाबाद पहुंच वाली औरंगाबाद से बाई रोड बुल्ढाना जाएगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार बड़े ही विधि विधान के तरीके से किया जाने का पूरे सम्मान के साथ। अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। महाराष्ट्र के रहने वाले अक्षय गावते जो कि सियाचिन में ड्यूटी पर थे, तैनात थे, अजय जिस तरह के हालात वहां रहते हैं बॉर्डर पर तो अलग तरह के चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन सियाचिन में अगर ड्यूटी लग जाए तो वहां चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आप जरा बताइए, समझाइए, क्योंकि अगर राहुल गांधी या बाकी अदर लीडर्स इस तरह के मैसेजेस करते हैं या बयान देते हैं तो बीजेपी सीधा सीधा कहती है कि भाई सेना के मनोबल को आप नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सेना को आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। सियाचिन में क्या हालात रहते हैं, टेम्परेचर कितना रहता है, क्या विपरीत स्थिति रहती है जिसमें सेना के जवान फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करते हैं, खासतौर से अग्निवीरों के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान उन जवानों के मनोबल को तोड़ने का भी काम कर सकता है क्या? देखिए सियाचिन जो है वो सबसे उच्च स्तरीय जो है वो युद्ध बैटल क्षेत्र है और आपको बता दूं कि जिस तरीके से सियाचिन की अगर बात कर रहे हैं, सियाचिन में जिस जवान ने अपनी शहादत दी है अक्षय ने, तो वो -50 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ पर रहता है, उससे कम चला जाता है। उस इलाके में अगर किसी को तैनात होना है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और तमाम वो चैलेंजेस रहते हैं, मगर वहाँ पर रहकर दुश्मन ताकतों पर नज़र रखने का काम यही भारतीय सेना के शूरवीर करते हैं। और इन शूरवीरों को जो भी एक बार वहाँ पर सियाचिन में तैनात होता है, आपको ये भी बता दूँ कि उसके लिए वो एक अलग तरह का गौरवान्वित पल रहता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर तैनात जवानों की अगर बात की जाए, जब वो वापस आते हैं तो जो वहाँ के किस्से हैं, जहाँ वहाँ की जो सिचुएशन है वो बताते हैं कि कैसे उस अलग तरह के क्षेत्र में तैनात रहकर वो देश की सरहदों की सेवा में जुटे हुए होते हैं। तो ऐसे में उस इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ सिर्फ जो है दुश्मन चैलेंज नहीं है, खतरा दुश्मन का नहीं है, वहाँ खतरा नेचर का है, वहाँ पर जो स्नो एवलांच आते हैं उसका खतरा है, वहाँ पर -50 डिग्री से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, वहाँ पर और कई चीज़ों का खतरा है, सर्दी है कड़ाके की, और उन तमाम चीज़ों के बावजूद देश के सिपाही, देश की जो जवान है वो उस इलाके में तैनात रहते हैं और वहां पर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में वहां पर और जो लोग जाएंगे या जो वहां पर अभी ड्यूटी दे रहे हैं उनके मनोबल को तोड़ने के बजाय एक चीज जरूर है, राहुल गांधी को अगर इस चीज का ज्ञान नहीं था तो यकीनन उनके जो बाकी समर्थक हैं, उनके जो साथी हैं, उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेना चाहिए, उसके बाद किसी भी चीज को लेकर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि इस टिप्पणी से, इस ट्वीट से जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का मोरल डाउन होता है जो लोग अभी सेना में जाने की सोचते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी शख्स से पूछेंगे जो सेना में ड्यूटी के लिए जाता है, सुरक्षा बलों में तैनात रहता है, तो उसका मकसद
सिर्फ पैसा नहीं होता, तनख्वाह पाना नहीं होता है, उसका मकसद जो है वो देश की सेवा करना होता है। तभी आप सोचिए, अगर किसी की अगर बात पैसों की जाए, सैलरीज की जाए, तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए लोग किसी भी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए तैनात तैयार हो जाएंगे, मगर सेना में जहाँ पर खतरा है बॉर्डर पर फायरिंग का, वहाँ जहाँ खतरा है जंग का, वहाँ जहाँ खतरा है किसी भी तरह की ड्यूटीज़ पर आपको 24 घंटे रहना पड़ सकता है, उस ड्यूटी को अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ मात्र पैसों के लिए नहीं करता, उसके पीछे का मकसद देश की सेवा होता है। ऐसे में किसी भी, ये राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो या सरकार में बैठा कोई मंत्री हो, उसका उसकी ड्यूटी का और उसको टिप्पणी करने का जो तरीका है, या टिप्पणी करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि क्या उस टिप्पणी से बाकी युवाओं पर और जो देश की सेवा में जुटे लोग हैं उनकी जो मानसिक उनके मन पे, उनके दिल पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो गलत होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग जो युवा हैं, जो अग्निवीर बनने की तैयारी में हैं, आगे आने वाले वक्त में उन्हें फौज में भर्ती होना है, उनके मनोबल को गिराता है, और साथ ही साथ जो जवान ऑलरेडी ड्यूटी पर तैनात हैं अग्निवीर के तौर पर, उन पर भी प्रभाव डालते हैं इस तरह के बयान। अभिषेक, चूंकि आपने कहा कि पार्थिव शरीर अब लाने की तैयारी है, पीड़ित परिवार की तरफ से जो शहीद का परिवार है, वहाँ से क्या कोई किसी तरह का रिएक्शन सामने आया इस पोस्ट पर जो राहुल गांधी की तरफ से की गई है, और क्या कुछ तैयारी है अब आसपास के लोगों की भी, किस तरीके से सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा? देखिए, जब जो पार्थिव शरीर औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाई रोड करीबन 300 किलोमीटर की दूरी है जहां से वह बुलढाणा ले जाया जाएगा, बुलढाणा ले जाने के बाद उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पहले पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। देखिए, परिवार जाहिर सी बात है शोक मना रहा है, शोक की घड़ी इस वक्त है, और उनके साथ पूरा गांव, पूरा राज्य कहें या फिर पूरा जो जिला, तमाम जो आसपास के लोग हैं वह जरूर जाहिर सी बात है एकत्रित हुए हैं और वह उनके सांत्वना दे रहे हैं। अभी तक परिवार की तरफ से इस पर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद तो कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि वो उस हालत में नहीं है कि उनका एक बेटा, उनका लाल इस दुनिया से जा चुका है, तो वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बता सके, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद जरूर इस पर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन दो चीज समझनी होगी कि देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस तरीके से, पहले भी देखा गया सेना को लेकर कई सारे उन्होंने टिप्पणियां की है, लेकिन बार बार ये उठता है कि आप कुछ मांग कर सकते हो, किसी के लिए कुछ मांग करना कुछ नाजायज नहीं है, बल्कि जायज है, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन उसकी मौत पर आप उस शहादत पर या फिर उसकी बलिदान पर आप तमाम राजनीति करना, राजनीति रोटी सेकना, यह सरासर गलत माना जाता है, और गलत इसीलिए है कि ताकि बीजेपी लगातार हमलावर है, और क्योंकि तमाम जैसे अग्निवीर हैं जिन्हें शायद कहीं प्राइवेट में माले नौकरी नहीं मिलती होगी, कम से कम अपनी स्वेच्छा से इस आर्मी में, इस सेना में भाग ले रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं जहां पर कि शायद आर्मी में कई जगह कई साल ड्यूटी करने के बाद सियाचिन में जाके वहां पे पोस्टिंग मिलती है, लेकिन उन्हें इन 4 सालों में उस जगह पोस्टिंग मिल रही है जहां पे एक पंख की बात होती है, एक शांत की बात होती है, और वैसे लोगों को आप डिमोरलाइज कर रहे हो, उन्हें हतोत्साहित कर रहे हो, यह साफ समझ में आता है कि इनके राजनीति के लिए, अब सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के का विरोध करने के लिए आप इस हद तक, और फिर वही बात है जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि करीब 1 करोड़ की जो मदद है वो परिवार को पहुंचेगी अलग अलग तरीकों से, शायद ये जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी उससे पहले कि आपने पोस्ट कर दिया और सवाल कर दिया, फिर इसी तरह से किरकिरी अब हो रही है राहुल गांधी के इस पोस्ट की। शुक्रिया आपका अभिषेक इस अपडेट के लिए।